छात्र का अपहरण होकर के निर्ममता पूर्वक हत्या इस जंगल में हुआ और अपराधियों ने किया इस तरह का नंगा नृत्य किया और जिसको भाकपा माले जम्मू जिला कमेटी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां तक पुलिस की बात है तो खैरा पुलिस जिस दिन से जम्मू पहुंची है दारू बालू और अपराधियों से मिली जुली ये सिद्धेश्वर पासवान जो SHO हैं ये नंगा नृत्य कर रहे हैं आज इतनी बड़ी बड़ा सवाल है। लेकिन आज तक हमको जो साथियों से जानकारी मिली कि इन्होंने आज तक ने क्या और इस रूप में इनकी बड़ी सांठगांठ है और हम लोग भाकपा माले चाहे वो झारखंड कमेटी हो या हमारी जम्मू जिला कमेटी हो राज्य कमेटी हो सारे लोग मिल करके इनके खिलाफ धारावाहिक अनवरत संघर्ष करेंगे और जब तक इनका तबादला और निलंबन नहीं हो जाएगा जब तक इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम आंदोलन पीछे नहीं करेंगे। और आज जो हमारे जो साथी राजकुमार जी पूर्व विधायक ये बोल रहे थे आज बिहार विधानसभा के अंदर अभी हम जो सूचना मिली हम तुरंत राज्य सचिव से बात किए और थाना के SHO से बात किए तो ये थाना SHO चूंकि इनकी मिली भगत है तो ये कहते हैं कि हमके साहब आपके क्षेत्र में लाश मिला है तो ये सवाल पर आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। कहें कि हम DSP साहब का इंतजार है सारे चीज में ये अपने आप को अपने कमजोरी से हटने के लिए अपने कमजोरी को अपने मिली भगत के अपराधियों से जो मिली भगत है इनका इसको छिपाने के लिए ये तरह तरह के ये जुमले गढ़ते हैं। जी के साथ खिलवाड़ कीजिएगा अपराधियों का संरक्षण दीजिएगा तो नहीं चुप रहेंगे हम लोग। कल सर आपको खबर भी किया था मैंने इसके बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। चलो 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 बात चलो वहाँ का लड़का वहाँ का ऐसे कर जोड़े वाले आप लोग 72 घंटा का टाइम देते हैं ना 10,000 आदमी आ करके जम्मू SP के सामने बैठेंगे ये मत सुनिए। ये सब आपराधिक संरचना DP जादव खुलेआम घूम रहा है कहिया कहाँ पकड़ रहा है सब इसके यहाँ थाना में इस तरह से पल्ला झाड़ रहा है वर्दी नहीं रखना चाहिए शरीर पर ये घुसखोर है सब आज खड़ा थाना पुलिस वर्दी नहीं रखना चाहिए हम लोग खुश रखेंगे हमारे यहाँ सुन भी नरेंद्र सिंह के तहनी कुकुर पुलिस का ही रवैया रहेगा मतलब हम लोग आते हैं झारखंड से उसके बाद भी SP मैंने आपका जो सिपाही है थाना अध्यक्ष चुपचाप बैठा रहता है। हम लोग प्रयाग मंडल को डायरेक्ट नाम के अंदर भी हम एक राजनीतिक रखते हैं जबरदस्त और वो सवाल पर इनको हम अभी बोले कहें कि हम SDPO साहब से आ रहे हैं यह बात नहीं है कि जम्मू की पार्टी जो है चूड़ी पहन के बैठी हुई है पुलिस ये लोग कहेंगे पहले एक पैसा उसको एथी नहीं करेंगे। हमारे पास वह ताकत खुद जम्मू के अंदर मौजूद है हमारे ये बात नहीं है हम तो समझ अगर ये पुलिस सक्रिय होती तो ये हत्या से बचाया जा सकता था। हमारे जो विधायक इसको आवाज उठाया जाएगा बिहार के DJP से मिलेंगे और यहाँ के जम्मू के SP और यहाँ के आपके जांच टीम को जैसे पटना से बुलाना चाहिए था कि नहीं सो बतिए कितना दूरी पर SP को भी आवेदन हम लोग दिए कौन टीम आ रहा है DGP को भी दिए हम लोग 4 घंटा लगता है नहीं DSP साहब वो हड्डी को उठाएंगे जांच करेंगे सही बात सर हाँ ये अंशु बंडवाल और चंदन बनवाल की मैंने हड्डी है कि मलाश है कि नहीं वो जांच करेंगे इनकी उसके लिए अस्पताल टीम आएगी सब टीम आ जाएगी ये को बात बोली सब टीम आएगी आएगी 28 दिन बिता 28 दिन के बाद फिर उसका आएगी वो लोग अभी 28 दिन बिता है पार्टी साबित कर रहा पूरा ये आप लोग झारखंड के बिहार में मारा जाएगा कुछ नहीं ऐसा हो जाएगा तो आधा बिहारी तो झारखंड में बसल है अरे भाई नहीं नहीं आधा बिहारी तो झारखंड में SP से बात करेंगे थोड़ा सा नहीं लग रहा बात करेंगे जो बोल रहे बहुत बड़ी कार्रवाई क्या आपने जो मैंने अभी 3.5 घंटा हुआ आपने जो सो लाश को ले जाने के लिए कानूनी प्रक्रिया तक नहीं पूरी कर पा रहे हैं हम सहयोग में हम खड़े हैं आपके क्षेत्र में घटना घटती है आप सहयोग में आप हमको बता रहे नहीं आप सारे खड़े हैं अब क्या सहयोग कर रहे हैं आप बोले सहयोग आप जो बाबा के बारे में बोला गया था ना नहीं बाबा बाबा को आपको 23 तारीख को जो बहन के साथ भाग गया था उसके घर में एब्सेंट हुआ आपने बाबा को गिरफ्तार किया नहीं किया बाबा के बारे में हमको कोई सूचना नहीं दिया गया फोन आप उठाइएगा तब ना सूचना आप तो फोन काट देते बात ही नहीं फोन नहीं उठाते तो फिर आते कैसे आने में आए वो 5 बार के बजे आए आप कितने बजे का कितने बजे आए आप कितने बजे गया हमारे यहाँ झगड़ा हो गया था अरे तो झगड़ा झगड़ा यहाँ कौन है कि दो आदमी की हत्या है बड़ा बाबू निकलिए
फोन होते हुए हम लोग आए। सुनिएगा सर, हम लोग एसपी से बात करेंगे, थोड़ा सा नहीं लग रहा, बात करेंगे जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी कार्रवाई। क्या आपने जो है सोनी माने आपने सूचना तो फोन कर रहे थे, बात ही नहीं कर रहे, फोन नहीं उठाते तो फिर आते कैसे? आने में आए वो 5 बार के बजे आया, आपको तो कितने बजे का, कितने बजे आया आपको, कितने बजे आ गया? देखिए आप लोग एक गाड़ी देख रहे हैं, कितना दूर था, थोड़ा सा भी ड्रोन कैमरा से खोजा गया। ये तीसरे के बड़ा बाबू बोले कि ड्रोन कैमरा से खोजा जा रहा है, 304 से लेके गए हम लोग, ड्रोन कैमरा से खोजा गया, गाड़ी यही खेत में पड़ा हुआ है। और बड़ा बाबू का कहना है कि जो पीर बाबा है प्रभाकर मंडल, जो हम लोग टारगेट बनाए कि वही है मुजरिम, तो वो बोलते कि वो निर्दोष है। 24 घंटा के अंदर में प्रभाकर को हाजिर किया जाए, चाहे वो तीसरी का थानेदार हो, चाहे खैरा का थानेदार हो, और नहीं तो पूरा कल जम्मू जाम रहेगा, पूरा गिरिडीह जाम रहेगा, एक का करके हम लोग जाम। इस हत्या में पूरी तरह खैरा की पुलिस और यहाँ के थानेदार मिली हुई है, और वो बाबा जी लगातार अवैध काम चला रहे थे, और वो खैरा थाना की पुलिस की संरक्षण में ये काम हुआ है, इसलिए खैरा थानेदार को तुरंत जो है सो विभागीय कार्रवाई करके उनको बर्खास्त किया जाए। उस पर आखिर इस तरह की घटना मात्र डैम से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह से होना, और इसको संज्ञान में नहीं लेना, और जो पीड़ित परिवार है उसको FIR लॉज कराने के नाम पर FIR नहीं करना, उसको धमका के भगा देना, लास्ट में गिरिडीह जिला की जो है तीसरी पुलिस जो FIR जो है सो किया है, और आप लोग तमाम जो है सो आप लोग जानते हैं कि लगातार तीसरी की पुलिस प्रयास भी की, लेकिन खैरा पुलिस और यहाँ के SP को कोई मतलब जो है सो रिस्पॉन्स नहीं मिला, और इसके वजह से आज जो है सो 2 नौजवानों के जो है सो आज लास्ट देखना पड़ रहा है। ये बड़ी अफसोस है कि बिहार में एक किस्म से नीतीश कुमार के राज्य में जंगल राज चल रहा है, और भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी, वो चाहे झारखंड के पार्टी हो, चाहे बिहार की पार्टी हो, हमारे जिला सचिव भी आए हुए जमुई जिला के, और हम लोग इस तरह के अपराधीकरण को किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। इसके पहले भी इसी खैरा सिंगा में एक नौजवान जादव लड़का की हत्या हुई है, अंकित कुमार का, और आज भी वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ अपराधियों का राज चल रहा है कि यहाँ पर गुंडों का राज चल रहा है कि पुलिस का कानून का राज चल रहा है? आखिर पुलिस जो है सो अपराधियों से डर रही है खैरा की पुलिस, जमुई की पुलिस? इस बात को जवाब जनता देगी और जनता लेके रहेगी, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। और इस सवाल पर जो है सो झारखंड की असेंबली से विधानसभा से लेकर के बिहार की असेंबली में भी हमारे माले के विधायक महबूब आलम से भी हमारी बात हुई है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, और हमारी पार्टी भी जमुई जिला का इस सवाल पर चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि जिस तरह से जमुई जिला में अपराधीकरण बढ़ा है, इसको लेकर के जो भी अपराधी है, हमारे इस परिवार के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है सो 2 दिन से वो झोपड़ी से खाना गया, फिर वो झोपड़ी वाला को क्यों नहीं उठाया गया, ये बड़ा सवाल है। ये क्या कर रहे थे पुलिस? और वो बाबा जी को फिर पकड़ करके जब 22 तारीख की घटना 23 तारीख को वो जाते हैं, उनकी बहन समेत तो लापता होते हैं, फिर उनको कड़ाई से क्यों रिप्रेस किया गया? क्या वो मेहमानबाजी कर रहे थे? अपराधियों से मेहमानबाजी होगी कि कड़ाई से प्रेस होगा? इसलिए हम लोग चुप रहे बैठेंगे, और चंदन बनवाल और अंशु बनवाल के परिवार को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग किसी भी कीमत पर, हम लोगों के साथियों ने मिलकर के, चंदन बनवाल के परिवारों ने मिलकर के और जान पर जोखिम डाल करके आज ये लाश कैसे मिला? आखिर पुलिस क्यों नहीं जंगल में छापामारी की? बड़े बड़े MCC और अपराधियों और उग्रवादियों के खिलाफ अब जो है जंगल घूमते हैं, यहाँ क्यों नहीं घूमने आए? क्या कर रहे थे खैरा की पुलिस? इस बात का जवाब हम लोग को चाहिए, बिहार के DJP और जम्मू के SP से चाहिए, हम लोग ये बात करने के लिए आए हैं। अभी जब यहाँ रोकने के रोके हैं, हम लोग बोले यहाँ पर मिला तो खैरा थाना 5 बार बड़ा बाबू के पास कॉल किए, एक बार भी ढंग से नहीं बताए, फोन काट दिया, फोन बार बार काट दे रहे हैं, फोन काट दिया। बड़ा बाबू उनके पास कॉल किए, जब यहाँ बरामद हुए तो हम लोग कॉल किए कि सर यहाँ पर गाड़ी मिल गया है, लाश भी मिल गया है, सब कुछ हम बोल रहे हैं, फिर फोन बार बार फोन काट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो मिली भगत है, और इसलिए थानेदार के ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो, और इस हत्या का जिम्मेवार जो है सो यहाँ के थानेदार भी और मिली भगत है, और इसकी जांच जो है सो SRT से जो है सो किया जाए, क्योंकि यहाँ के DSP और थानेदार मिली है, इसलिए निष्पक्ष जो है आपके DJP और यहाँ के IG करें।